जैसे जैसे लोकसभा के आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय होकर अपना जनाधार बढ़ाने की कवायद में लग गई हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के करनाल में स्कूल अस्पताल रैली की। रैली के दौरान पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सूबे की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के मोर्चे पर पूरी तरह विफल हो चुकी है। प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद लचर है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर तीखा हमला करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री जाति की राजनीति करके समाज के बीच खाई पैदा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री किसी जाति विशेष का नहीं होता, बल्कि समाज के सभी वर्गों का होता है। मुख्यमंत्री को इस तरह की बांटने वाली राजनीति नहीं करनी चाहिए। खट्टर साहब चारों तरफ ये कहते हुए घूम रहे हैं कि मैं केवल पंजाबियों का मुख्यमंत्री हूं और पंजाबी मेरे को वोट दो। ये बेहद दुख की बात है। मुख्यमंत्री कभी भी एक जात या एक सेक्शन का नहीं होता, मुख्यमंत्री सबका होता है। वो खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि मैं पंजाबियों का मुख्यमंत्री हूं और पंजाबी मुझे वोट दो। तो वाल्मीकि समाज पूछना चाहता है कि उनका मुख्यमंत्री कौन है, अहीर समाज पूछना चाहता है, बनिए पूछना चाहते हैं, अग्रवाल समाज पूछना चाहता है, ठाकुर समाज पूछना चाहता है, ब्राह्मण समाज पूछना चाहता है, भाई हमारे मुख्यमंत्री कौन है। मैं हरियाणा की जनता से अपील करना चाहूँगा कि अपना भाईचारा बनाए रखें। हरियाणा अपनी 36 बिरादरियों के भाईचारे के लिए हमेशा जाना गया है, इस भाईचारे को कभी भी ख़त्म ना होने दें। आम आदमी पार्टी इंसानियत के लिए खड़ी है, वो किसी भी जाति और धर्म के नाम पर वो नहीं करती भेदभाव।